सो so, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं मानता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं सो so, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं अभी हम रिवाइज करने वाले हैं मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ऑडिट जी हां मैनेजमेंट ऑपरेशनल ऑडिट का हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं सो so, सबसे पहले अगर देखा जाए इस टॉपिक में क्या होता है भाई हम इस टॉपिक में सबसे पहले जब हम एंट्री लेते हैं तो हम पढ़ते हैं वॉट इज मैनेजमेंट ऑडिट वट इज ऑपरेशनल ऑडिट उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है तो मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है जो जो मैनेजमेंट ऑडिट में इंक्लूड है वो ऑपरेशनल ऑडिट में तो है ही साथ साथ मैनेजमेंट ऑडिट में आ जाता है एक्स्ट्रा क्या आ जाता है एक्स्ट्रा इट इंक्लूड रिव्यू ऑफ द एडिक्वेसी एंड कॉम्पिटेंस वो एडिक्वेसी कॉम्पिटेंस देखता है ओपीडी यानी ऑब्जेक्टिव प्लान्स पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट ये ओपीडी देखता है ऑफ टॉप मैनेजमेंट साथ साथ मैनेजमेंट ऑडिट की जब बात होती है ये देखता है क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग कैसी एंड जब ऑपरेशन की बात होती है ये ऑपरेशनल ऑडिट क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन देखता है मैनेजमेंट ऑडिट इज द ऑडिट ऑफ द मैनेजमेंट वेयर एज द ऑपरेशनल ऑडिट इज द ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट तो हमने ये चीज पढ़ी थी फिर तो उसके बाद हमने क्या कहा कि एक का फोकस है कि वो क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग वो देखे वो देखे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसी है एंड एक का फोकस है कि वो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस देखे कि जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो इफेक्टिव और एफिशिएंट है कि नहीं फिर हमने कहा बेसिक डिफरेंस दोनों के मेथड में नहीं है मेथडोलॉजी दोनों की सेम होगी बट लेवल ऑफ ऑपरेजल में है लेवल ऑफ ऑपरेजल यानी जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो टॉप लेवल मैनेज के ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर देखता है वो उनका फॉर्मुलेशन ऑफ ओपीडी देखता है यानी ऑब्जेक्टिव प्लान्स पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑडिट का जो स्कोप है दिस इज वाइडर देन ऑपरेशनल ऑडिट फिर हमने डिस्कस किया व्हाट इज द नॉलेज क्या नॉलेज नेसेसरी है टू बिकम अ मैनेजमेंट ऑडिटर मैंने कहा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है पर्पस फॉर विच क्रिएटेड जब आपने ऑर्गेनाइजेशन का देख लिया फिर आपने समझने मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर क्या है मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी प्लानिंग और बजटिंग आपने ये चीजें देखनी है हमें ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस भी पता चल गया मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर भी पता चल गया अब हमें देखनी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहां से हमें मिलेगी सर रिपोर्ट से तो रिपोर्ट्स कुछ तो है जो रिक्वायर्ड है कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हमें एक्चुअली रिसीव होती है तो एक होती है हमारी रिक्वायरमेंट एक होती है एक्चुअल हम चाहते तो सब कुछ है पर मिलता सब कुछ नहीं है तो रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड एंड रिपोर्ट्स विच आर एक्चुअली रिसीव फॉर मैनेजमेंट ऑडिट ये भी आपने देखना है एंड जब हम ये तीनों चीजें देख चुके हैं तो हमें मेन चीज देखनी है जो हर ऑडिट में होती है वो होती है इंटरनल कंट्रोल तो सर हम इंटरनल कंट्रोल भी देख के चलेंगे आखिरी के आखिरी के चार पॉइंट्स एकदम रिलेटेड है हमने देखा प्रोडक्शन क्या है प्रोडक्शन कहाँ होती है सर प्रोडक्शन होती है फैक्ट्री में तो हम फैक्ट्री का लेआउट देखेंगे डिजाइन देखेंगे इंस्टॉल कैपेसिटी देखेंगे एंड जो प्रोडक्शन होगी उसका फिर हम देखेंगे कि कैसे सेल्स जो है उसकी मैनेजमेंट और प्लानिंग होती है एंड लास्ट में ये सारा काम कौन कर रहा है मैंने कहा सारा काम जो लोग ऑर्गेनाइजेशन के वो कर रहे हैं यानी जो पर्सोनल है तो हम देखेंगे पर्सोनल पॉलिसी एंड पर्सनल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट्स ट्रेनिंग वेलफेयर इंसेंटिव एंड तो हम ये जें देखते हुए चलेंगे मैंने कहा मैनेजमेंट ऑडिट कराने की जरूरत क्या है वट इज द डिजायरेबिलिटी और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट मैंने कहा सबसे पहले तो इट हेल्प इन डिटेक्टिंग एंड ओवरकमिंग ये हेल्प करता है डिटेक्ट और ओवरकम करने में करंट करनेंट मेनेजरियल डेफिशेंसी ऑनगोइंग ऑपरेशन जो भी करंट ऑपरेशन है उसकी जो मैनेजेरियल डेफिशेंसी है उनको डिटेक्ट करता है ओवरकम करने में हेल्प करता है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हो जाती है जिसका मेन काम है एवेलुएट करना कि कैसे मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करता है साथ करता है, साथ मैनेजमेंट कैसे अपने फंशन परफॉर्म करता है यानी प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग एंड कॉर्डिनेटिंग एंड ये

एंड ये दो चीजों करने से हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव करने में काफी हेल्प हो जाती है सो यू कैन से कि मैनेजमेंट ऑडिट इज अनदर टूल विच हेल्प इन अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट में अचीव करने में हेल्प करता है कहीं ना कहीं आप कह सकते हो यहाँ पे मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन यार हमारी काफी हेल्प करके चलता है एंड फिर हमने दो बात करी थी दो एंटिटीज की एक तो थी एलिंग इंडस्ट्रीज एक थी इन्वेस्टमेंट इन एन एंटिटी हमने कहा जो भी एलिंग इंडस्ट्रीज है जिनमें दिक्कतें हैं वहां पर हम जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइसोलेट कर सकते हैं एंड अकाउंट फॉर कर सकते हैं एलिमेंट्स के साथ सिमिलरली अगर हम किसी एंटिटी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं किसी के साथ मर्जर करने जा रहे हैं तो हमें मैनेजमेंट ऑडिट हेल्प कर सकता है इस स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने में

लोकेशन कैसी होनी चाहिए मैंने कहा लोकेशन ऐसी होनी चाहिए इस ऑडिट फंक्शन की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन की ये इंडिपेंडेंटली काम कर सके सर इसमें लोग एलोकेट करने हैं तो लोग कैसे करें मैंने कहा लोग ऐसे एलोकेट करो ऐसे पर्संस को सिलेक्ट करो ऐसे पर्संस को इस ऑडिट के लिए असाइन करो जिनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है ऑडिट थ्योरी की वो ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट के फंडामेंटल्स अच्छे से समझते हैं उनको बेसिक नॉलेज है बेसिक नॉलेज है टेक्नोलॉजी एंड कमर्शियल प्रैक्टिसेस की उनको बेसिक नॉलेज है टेक्नोलॉजी एंड कमर्शियल प्रैक्टिसेस की साथ साथ उनको आईपीसीसी के बारे में भी आता है यानी कॉमर्स भी आती है लॉ भी आता है टैक्सेशन भी, भी आता है कॉस्ट अकाउंटिंग भी आता है ईडीपी भी आता है एंड साथ साथ उनको इकोनॉमिक्स की भी अच्छी नॉलेज है मैंने कहा लोग तो आ गए पर लोग की ट्रेनिंग कैसे होगी तो मैंने कहा वो स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम हम करेंगे हम उनकी जो अपस्किलिंग है करते रहेंगे ताकि हमारी जो असाइनमेंट्स की क्वालिटी है वो बने रहे साथ साथ ये इंसेंटिव होगा कि कैपेबल लोग हमारी डिपार्टमेंट में जुड़े और हम उनको रिटेन कर पाएं फिर हमने बात करी टाइमिंग और फ्रीक्वेंसी की टाइमिंग डिपेंड करेगी नेचर और स्कोप ऑफ वर्क पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड करेगी ऑर्गेनाइजेशन पे यानी नेचर साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरवल हमारा तीन साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए यानी अगर एक मैनेजमेंट ऑडिट आज हुआ है तो अगला मैनेजमेंट ऑडिट तीन साल के अंदर अंदर ही हो जाना चाहिए तो हमने ये चीज पढ़ी थी अब सर मैनेजमेंट ऑडिट करेंगे कैसे मैंने कहा दो तरीके हैं या तो आप इंटरव्यूज के थ्रू कर लो या मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन के थ्रू कर लो अगर इंटरव्यू के थ्रू कर रहे हो तो प्रिपेयर होकर जाना ताकि दूसरे का भी टाइम एफर्ट ना वेस्ट हो ना आपका टाइम एफर्ट वेस्ट हो साथ साथ जैसे ही जाओगे ऑफ ऑडिट बता देना कि मेरा पर्पज ऑफ ऑडिट क्या है एंड ये इंश्योर करना कि आपको जितने फैक्ट्स रिव्यू और अप्रेजल के लिए चाहिए वो फैक्ट्स आपको मिल जाए एंड आपका एटीट्यूड एकदम फ्रेंडली हो और आप अपना ये पूरा इंटरव्यू ओपन एटमोस्फेयर में कंडक्ट करो तो ये चार चीजें हमने पढ़ी थी सर मैनेजमेंट ऑडिट क्वेश्चन क्या क्या मतलब है मैंने कहा मैनेजमेंट ऑर्डि क्वेश्चन काम मत काम है कि वो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन करे वो कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिविव एग्जामिनेशन करे ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट का उसका मेन काम है वो अप्रेज करे कैसे मैनेजमेंट अचीव कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव वो हाईलाइट करेगा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो हाईलाइट करेगा डब्ल्यू डी यानी करेगा सिंथेसाइज करेगा वो एलिमेंट्स विच आर कॉजिंग द मैनेजमेंट डी एंड डी यानी डू नॉट डिस्टर्ब नहीं डी एंड डी यानी डिफिकल्टीज एंड डेफिशियंज तो वीकनेस एंड डेफिशियंस आइडेंटिफाई करेगा उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा जो ये वीकनेस और डेफिशेंसी यानी डिफिकल्टीज और को कॉज कर रहे हैं मैंने कहा तीन आंसर हो सकते हैं मैनेजमेंट ऑडिट के क्वेश्चन के क्या क्या आंसर हो सकते हैं यस नो नॉट एप्लीकेबल यस यानी वो एरिया पे आपके जो पॉलिसीज हैं जो आपके काम है वो सेटिसफैक्टरी मैनर एक्सेप्टेबल मैनर में काम हो रहा है तो आपको कोई रिटर्न एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है नो no, यानी सेटिसफैक्ट्री काम नहीं हो रहा अनएक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है तो वहां पे एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी आपको राइटिंग में एंड नॉट एप्लीकेबल मतलब वो क्वेश्चन ही एप्लीकेबल नहीं होता फिर हमने बात करी मैनेजमेंट ऑडिट की टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स में हमने कहा चार तरह की रिपोर्ट्स हैं ओरल रिपोर्ट यानी इमरजेंसी मैटर्स के लिए आप ओरल रिपोर्ट दे सकते हो फिर उसको आपको सप्लीमेंट करना पड़ेगा फॉलो अप करना पड़ेगा विद रिटर्न रिपोर्ट हमने कहा रिपोर्ट रिटर्न रिपोर्ट यानी फाइनल रिपोर्ट से पहले वाली रिपोर्ट जो आपको सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द ऑडिट के बारे में बताती है फिर हमने बात करी रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट्स की जो जनरली ऑडिट के बाद इशू होती हैं। फिर आती है बात समरी रिटर्न रिपोर्ट की नाम से ही पता चलता है कि ये किसी की समरी बता रही होगी यानी जो भी रेगुलर रिटर्न रिपोर्ट्स होती हैं उनकी ये समरी बताती है इसको हम प्यार से फ्लैश ऑडिट रिपोर्ट्स भी कहते हैं फ्लैश यानी जल्दी से आपको सारी रिपोर्ट्स का ज्ञान एक ही रिपोर्ट में मिल जाता है तो इसको हम समरी रिटर्न रिपोर्ट भी कहते हैं जिसको हम प्यार से फ्लैश रिपोर्ट्स कहते हैं ये समराइज करती है इंडिविजुअल रिपोर्ट्स को ठीक है फिर so, उसके बाद हमने क्या कहा कि प्राइमरीली किन लोगों के मैंने कहा प्राइमरीली ऑडिट कमिटीज के लिए हायर लेवल मैनेजमेंट के लिए क्योंकि उन टॉप लेवल मैनेजर्स के पास समय नहीं है दे आर डोंट द टाइम कि वो एक्टिवली रिव्यू कर सके एक इंडिविजुअल -एक रिपोर्ट को और साथ साथ ही जनरल ऑडिटर को भी मौका देती है कि वो देख सके ओवरऑल रिपोर्टिंग एफर्ट को विद अ मोर परस्पेक्टिव एंड इंटीग्रेटेड बेसिस सर अब बताओ मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट बनती कैसे मैंने कहा मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट बनाने से पहले आपको प्लान करना है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट में आपने क्या क्या चीजें रीडर को कम्युनिकेट करनी है यानी जो जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट पड़ेगा उसको आप क्या क्या चीजें कम्युनिकेट करना चाहते हो साथ साथ आप जो चीजें कम्युनिकेट करना चाहते हो जो आपने कंक्लूजन निकाले जो आपने फाइंडिंग्स निकाली है उनके लिए आपको सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको एक सफिशियंट एविडेंस देना पड़ेगा कि भाई हमारे ये जो कंक्लूजन है वो इस एविडेंस पे बेस्ड है एंड फाइनल रिपोर्ट से पहले ड्राफ्ट रिपोर्ट देनी है सर ये चीज तो हम इंटरनल ऑडिट में भी करते थे मैंने कहा बिल्कुल सही इंटरनल ऑडिट में भी यही होता है कि इंटरनल ऑडिट की भी फाइनल रिपोर्ट से पहले आपको ड्राफ्ट रिपोर्ट देनी होती है जैसी ड्राफ्ट रिपोर्ट आप दे चुके हो और आप कन्विंस हो गए हो कि ड्राफ्ट रिपोर्ट की जो चीजों थी आप सेटिस्फेक्ट्रीकली डील कर चुके हो मैनेजमेंट के साथ कंक्लूजन और रिकमेंडेशन को डिस्कस कर चुके हो तो आपने राइट और इशू करनी है फाइनल रिपोर्ट आपने फाइनल रिपोर्ट इशू कर देनी है एंड फाइनल रिपोर्ट के बाद आता है फॉलो अप एक्शन और रिस्पॉन्स मैनेजमेंट ऑन ऑडिट रिपोर्ट फॉलो अप एक्शन यानी आप देखोगे मैनेजमेंट फॉलो अप एक्शन ले रहा है कि नहीं एंड अगर मैनेजमेंट फॉलो अप एक्शन नहीं ले रहा तो आप मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स ले लोगे कि वो फॉलो अप एक्शन क्यों नहीं ले रहा आप रीजन एसरटे करोगे फॉर द सेम फिर आती है बिहेवियर एसपेक्ट्स इंकाउंटर मैनेजमेंट ऑडिट अगर आप एक मैनेजमेंट ऑडिट कर रहे हो क्या बिहेवियल एस्पेक्ट्स uh, आ सकते हैं मैंने कहा तीन दिक्कतें आती है सबसे पहले तो आते हैं रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक क्यों आता है सर मैनेजमेंट ऑडिट uh, और इम्प्लॉय के पर्सनल में क्योंकि दोनों ही इम्प्लॉय दोनों ही इंप्लॉय हैं और दोनों ही इंप्लॉय हैं तो एक इंप्लॉय मैनेजमेंट ऑडिटर को भी इंप्लॉय की तरह ट्रीट करता है बट मैनेजमेंट ऑडिटर होता है अपने एरिया का स्पेशलिस्ट तो उसको लगता है जो उसका अप्रोच है जो उसकी सॉल्यूशन है वही एक तरीका है जिससे मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है दूसरी बात आती है कंट्रोल कंट्रोल यानी इंटरनल कंट्रोल जिसका ऑडिट हो रहा होता है उसको लगता है कि भाई अब मेरे एरिया की पूरी इवेल्यूएशन हो रही है तो कहीं ना कहीं अगर इस इंटरनल कंट्रोल में डेफिशियसी आ गई इंटरनल कंट्रोल में कोई डेफिशियंसी आ गई तो सुपरवाइजर तो है वो उसको इनकॉम्पिटेंट समझ लेगा एंड अगर सुपरवाइजर ने उसको इनकॉम्पिटेंट समझ लिया तो इंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा

सिंपल सी बात तो है दो तरीके तो फियर है फियर ऑफ क्रिटिसिज्म फियर ऑफ चेंज एंड बाकी फियर हमने देखा था कि फियर होता है पनिशमेंट से यानी पनिटिव एक्शन हो सकता है उस बंदे के खिलाफ जिसकी डेफिशिएंसी रिपोर्ट की जा रही है मैंने कहा पनिशमेंट देने वाला कैसा है मैंने कहा इनसेंसिटिव है हॉस्टाइल है तो अगले दो पॉइंट्स ये थे इनसेंसिटिव ऑडिट प्रैक्टिस एंड हॉस्टाइल ऑडिट स्टाइल एंड लास्ट पॉइंट था रेजिस्टेंस टू चेंज जब भी कोई ऑडिट हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं वो रूम देता है फॉर रिकमेंडेशन एंड जैसी रिकमेंडेशन आएगी सिस्टम में चेंज आ जाएगा एंड इंसान को चेंज पसंद नहीं है इम्प्लॉइज को चेंज पसंद नहीं आता तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी ये ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है तो मैंने कहा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को डील करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका आप जितना हो सके बताओ सामने वाले को कि ये जो प्रोग्राम है ये जो ऑडिट है दिस इज अ पार्ट ऑफ एन ओवरऑल प्रोग्राम विच इज मैंडेटेड बाय हायर लेवल अथॉरिटी आप बोलो सामने वाले को जाके हे सामने वाले मुझे हायर लेवल अथॉरिटी ने भेजा ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी हायर लेवल नीड्स अचीव कर सके फॉर बोथ प्रोटेक्शन एंड मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन हायर लेवल कर सके फॉर मैक्सिमम वाला एक हमारा काम हैजेरियल डायमेंशन हमारा काम है, आपको दें हमारा काम है कि हम आपको मैक्सिमम सर्विस दें इन ऑल फिजिबल मैनेजेरियल डायमेंशन और एक चीज और मैक्सिमम मैक्सिम तो हो गया हम मिनिमम काम करेंगे यानी मिनिमम इंटरफेरेंस करेंगे विद द रेगुलर ऑपरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग पर्सोनल हम मिनिमम इंटरफेरेंस करेंगे और एक चीज और है लास्ट में जब हम अपनी रिपोर्ट इशू करेंगे तो जो भी हमारी रिकमेंडेशंस होंगी जो भी हमारी बातें होंगी वो हम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को बताएंगे और उनको मौका देंगे अपॉर्चुनिटी देंगे जो भी हमारी फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन है वो उनको रिव्यू कर सके तो यहाँ पे हमारे चार पॉइंट्स कवर हो जाते हैं इससे क्या होगा सर एक ट्रस्ट की फीलिंग क्रिएट होगी एक फ्रेंडलीनेस की क्रिएट होगी एक एटमोसफेयर बनेगा ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रेंडलीनेस एंड तीन चीजें और आ जाती है जो आई बोलता है इनको भी लिखना आंसर में तो सिंपल सी बात है आपने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी आप गलतियां तो बता रहे हो साथ साथ मौका भी बताओ भी कि कैसे उन गलतियों को सुधारा जा सकता है यानी आपकी वैल्यू तभी है रिपोर्ट की जब आप अपनी जो रिकमेंडेशन है उनको टेंजेबल टर्म्स में करें तभी सामने वाली पार्टी कन्विंस होगी फिर आती है रिपोर्टिंग मेथड्स। रिपोर्टिंग मेथड्स में ये कहते हैं यू कैन बी डिसएग्री, यू कैन डिसएग्री विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल एंड यू कैन क्रिटिसाइज विदाउट बीइंग क्रिटिकल आपने कंसंट्रेट करना है उन एरियाज में जहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना कि आप सिर्फ उसकी गलतियां इनएफिशिएंसीज और डेफिशिएंसीज निकालो यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन द एरियाज वेयर यू नीड इंप्रूवमेंट एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है पार्टिसिपेटिव अप्रोच पार्टिसिपेटिव अप्रोच यानी ऑडिटर की जो रिपोर्ट है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है जब वो इंप्रूवमेंट सजेस्ट करती है एंड जो वो इंप्रूवमेंट सजेस्ट करती है वो डिस्कस करती है उन लोगों के साथ जिन्होंने वो इम्प्रूवमेंट्स को इंप्लीमेंट करना है एंड सामने वाले को आपने फील करानी है कि उसने पूरे ऑडिट प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया है तो तीन चीजें आ जाती हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रिपोर्टिंग मेथड्स और पार्टिसिपेटिव अप्रोच ये तीन चीजों को आपने ध्यान में रख के चलना है सर अब आ गए थे फिर हम ऑपरेशनल ऑडिट पे सर ऑपरेशनल ऑडिट क्या कहता है मैंने कहा ऑपरेशनल ऑडिट क्या कहता है वो छोड़ो हो तो हमने मैनेजमेंट ऑडिट में पढ़ी लिया कि भाई ऑपरेशनल ऑडिट में हम इफेक्टिवनेस एंड एफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन को देखते हैं क्यों देखते हैं क्योंकि ये ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट है ये मैनेजमेंट के लिए ऑडिट किया जाता है ताकि जो ऑपरेशन की गलतियां हैं ऑपरेशन की कमी है वो सामने निकल के आ जाए अब एक बात बताओ मुझे एक एंटिटी ने ऑपरेशनल ऑडिट कराया बट मैनेजमेंट ने ऑपरेशनल ऑडिट की जो रिकमेंडेशन थी वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो कौन हमारे हेल्प में आएगा सिंपल सी बात है ये पूरे आंसर का एक ही पॉइंट है कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच हेल्प में आती है क्यों क्योंकि ऑडिटर डिस्कस करता है वो आइडियाज और इंप्रूवमेंट्स उन मैनेजर्स के साथ जिनको उनको इंप्लीमेंट करना है एंड जब मैनेजर को लगता है उसने रिकमेंडेशन में पार्टिसिपेट किया कहीं ना कहीं कॉपरेशन की फीलिंग आती है एंड एक कॉपरेटिव एंटरप्राइज बन जाती है इससे एक एटीट्यूड बनता है फ्रेंडली एटीट्यूड जिसको कहते हैं एंड वो जो पार्टी है जिसका ऑडिट हुआ है वो सारी चीजों को एक्सेप्ट करता है वो रिसेप्ट करता है वो रिसीव करता है हर चीजों को तो क्या होगा इससे रेजिस्टेंस टू चेंज जो दिक्कत है चेंज वाली वो भी कम हो जाती है फीलिंग ऑफ हॉस्टेलिटी डिसअपियर हो जाती है एंड कहीं ना कहीं रूम बन जाता है फॉर फीलिंग्स ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट आपने एक और चीज समझनी है कि यहाँ पे टीम स्पिरिट भी डेवलप होती है एंड जो ऑडिटर है ऑडिटी है ये साथ में मिलके एक कॉमन गोल की तरफ काम करते हैं तो यहाँ पे इजी हो जाएगा कि जो भी ऑडिटर अपनी रिकमेंडेशन दे वो इंप्लीमेंट कर दे मैनेजमेंट क्योंकि उन्होंने ही वो सजेशंस ऑडिटी ने खुद ही दिए हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी तो जब ऑपरेशनल ऑडिटर को लगता है कि हॉस्टाइल मैनेजमेंट की दिक्कत है मैनेजमेंट उसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करी तो उसको पार्टिसिपेटिव अप्रोच फॉलो करनी चाहिए यहां पर आप देखोगे ऑपरेशनल ऑडिटर के केस में तो पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखिए बट जब मैनेजमेंट के ऑडिटर के केस में पार्टिसिपेटिव सॉरी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आती है तो पहले हमने तीन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा है यानी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल और रेजिस्टेंस टू चेंज एंड उनको सॉल्व करने के लिए हमने पहले चार तरीके पढ़े जिसमें से दो पॉइंट है मैक्सिमम मैक्सिमम तीसरा मिनिमम एंड लास्ट वाला इन्फॉर्म करो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को और उनको इन्वॉल्व करो रिव्यू करने में फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन को एंड आखिरी के तीन पॉइंट भी हमने याद रखने हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रिपोर्टिंग मेथड्स और पार्टिसिपेटिव अप्रोच ठीक है फिर आते हैं वाई ऑपरेशनल ऑडिट सर ऑपरेशनल ऑडिट कराना क्यों तो मैंने कहा था इसका सिंपल सी बात मतलब था कि जो ट्रेडिशनल सोर्स हैं वो नाकाम है ट्रेडिशनल सोर्स

उनको हम यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसमिटिंग द इन्फॉर्मेशन रादर देन बुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग द सिचुएशन वो इन्फॉर्मेशन को एक बंदे से दूसरे बंदे तक ले जा सकते हैं बट उसको बुक करके एनालाइज नहीं कर सकते और तीसरी चीज थी जब ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही होती है जरूरी कि इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिव हो कहीं ना कहीं इसमें बायसनेस इन्वॉल्व हो सकती है ठीक है फिर आती है लास्ट के तीन पॉइंट सर मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजमेंट की तो गलतियाँ आपने निकाल दी अब और गलतियां निकालो मैंने कहा इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट भी धूल से धूली नहीं है इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट में भी दिक्कतें हैं क्योंकि ये जनरली मैकेनिकल और रूटीन करैक्टर की होती है इसमें एक लीनिंग होती है टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल इफॉर्मेशन ये अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉमेशन तक सीमित रह जाती है एंड इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर दूसरा ये तो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की बात हो गई बाकी भी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स हैं उनकी भी अपनी ओन लिमिटेशन हैं सर सर्वे और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन तो अच्छे होते हैं मैंने कहा

ये यहाँ पे हमने लिख रखा है लॉस वेस्टेज पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉस वेस्टेज एंड फ्रॉड से बचाना एंड ये देखता है अकाउंटिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स को कि ये एकदम ठीक बने हैं ये एकदम रिलायबल बने हैं मैंने कहा इशूज़ इशूज़ बेसिकली अगर कोई इशू मिलता है तो ऑपरेशनल ऑडिटर क्या काम करता है ऑपरेशनल ऑडिटर रिकमेंड करता है करेक्शन एंड इंस्टॉलिंग द सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स कैसे सिस्टम एंड कंट्रोल्स को हम लगा के इन इश्यूज को ठीक कर सकते हैं फिर आई बात ऑब्जेक्टिव्स की सर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो ऑपरेशनल ऑडिटर का सिंपल सी बात है ऑब्जेक्टिव यही है कि वो देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान्स और प्लान्स को फुलफिल कर पा रही है कि नहीं क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान्स को फुलफिल कर पा रही है कि नहीं एंड साउंड बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को देख सके एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके साथ साथ हमने एक चीज और पढ़ी कि जो ऑपरेशनल ऑडिटर है उसको नॉलेज होनी चाहिए टीपीएससी यानी पॉलिसीज प्रोसीजर्स सिस्टम्स एंड कंट्रोल्स की एंड ही शुड बी फेमिलियर विद द बिजनेस उसकी नेचर प्रॉब्लम्स प्रोस्पेक्ट्स एंड एन्वायरमेंट ये चीजों के बारे में एक ऑपरेशनल ऑडिटर को पता होना चाहिए ओवरऑल उसका माइंड जो है वो ओपन रहना चाहिए जैसे हमने कहा था ड्यू रिलीजन्स के प्रोसेस में कि जब ड्यू हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हमें एक ओपन माइंड के साथ स्टार्ट करना चाहिए यहाँ पे भी ऑपरेशन ऑडिटर के लिए ये लिखा है दैट वी शुड ऑलवेज स्टार्ट ऑपरेशनल ऑडिट विद एन ओपन एंड एक्टिव माइंड ताकि हम परसीव कर सकें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड ग्रेफ कर सकें क्या क्या टेक्निकल मैटर्स हैं बट लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन ये दिया कि मॉडर्न इंटरनल ऑडिटिंग ये सजेस्ट करता है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है देर इज नो डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड ऑपरेशनल ऑडिटिंग मॉडर्न इंटरनल ऑडिटिंग परफॉर्म्स बोथ प्रोटेक्टिव एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव फंक्शन ये दोनों फंक्शंस परफॉर्म करके चलता है अब है 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 बात 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 मैंने कहा सिंपल सिंपल सी सी पांच इसको हमने एक के भी याद किया था तो सी है, क्या था वो कोलाबा का इंटरनल ऑडिटर इंक्विजिटिव था जो इंक्विजिटिव था जो एवरीथिंग पूछता था और बिजनेस फ्रेम में सब कुछ फिट करके देखता था एंड इन द एंड सक्सीड हो जाता था इन गिविंग ऑफ हेल्प एंड असिस्टेंट यानी कोलेबोरेशन उसने कोलेबोरेशन करनी है यहाँ पे किसके साथ कोलेबोरेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच उसने फॉलो करने की सीसी अप्रोच यानी कोलेबोरेटिव एंड कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रादर दिन अप्रोच उसके बाद कोलाबाब का इंटरनल ऑर्डर कैसा था मैंने कहा इक्विजिटिव था इंक्विजिटिव यानी पहला पॉइंट ही शुड बी इक्विजिटिव बिकॉज इज नॉलेज बियॉन्ड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज वेरी स्कैटी एंड उसके बाद मैंने कहा था इंक्विजिटिटिव मतलब हु वाई हाउ ऑफ एवरीथिंग पूछता था सेकंड पॉइंट य था शुड आज हुई हाउ ऑफ एवरीथिंग एंड ट्राई टू विजुलाइज वॉट आम्पर ऑल्टरनेटिव वेज विच आर अवेलेबल टू डू अ पर्टिकुलर वर्क ठीक है तो वो विजुलाइज करेगा वॉट आर दल्टरनेटिव वेज टू डॉ पटिकुलर वक एंड uh, वो उसका काम क्या था इंक्विजिटिव थावरीथिंग पूछता था एंड सब चीजों को बिजनेस फ्रेम में फिट करके देखता था तो ट्राई टू सी एवरीथिंग एज दे फिट प्रॉपरली विद इन द बिजनेस फ्रेम एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी एंड लास्ट पॉइंट हमारा था कि एंड द एंड वो सक्सीड हो जाता था इन गिविंग अफ हेल्प एंड असिस्टेंट यानी इफ द ऑडिटर सक्सीड्स इन गिविंग ऑफ हेल्प एंड असिस्टेंस थ्रू कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसज एंड उसको कॉपरेशन मिल जाता है तो वो ऑपरेशनल ऑडिटर अच्छा बन जाता है

सो वेदर द डेलीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एट ईच स्टेज इज क्लियर एंड ओवरलैपिंग इज अवॉइडेड ये हमने देखना है यहाँ पे एंड अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशन ऑडिटिंग मैंने कहा सिंपल सी बात है पेयर याद कर लो यानी पर्पज फाइनेंशियल ऑडिटिंग का परपज है कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑपरेशनल ऑडिटिंग का परपज है कि वो देखें कि ऑपरेशन इफेक्टिवली एंडफिशियंटली परफॉर्म हो रहे हैं एरिया फाइनेंशियल ऑडिट का जो एरिया है वो सीमित रह जाता है प्रेजेंटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जब ऑपरेशनल ऑडिटर की बात होती है वो हर एक्टिविटी के ऊपर जा सकता है उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस देख सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में काम आती है फिर आती है बात रिपोर्टिंग की मैंने कहा रिपोर्टिंग किसको करते हैं तो ऑपरेशनल ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट करता है बिकॉज इट इज़ द ऑडिट फॉर द मैनेजमेंट एंड जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल ऑडिट की वो रिपोर्टिंग करता है स्टेक होल्डर्स को यानी जो शेयर होल्डर्स हैं बैंकर्स हैं अदर पर्सनस हैं एंड टास्क क्या है कि भाई

सबसे पहले तो जो सिस्टम और प्रोसीजर है क्या वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगा कर पाएगा तो क्या वो कर रहा है कि नहीं इफेक्टिवली तो हमने देखना इज द सिस्टम ऑफ प्रोसीजर डिजाइन टू प्रमोट द अचीवमेंट ऑफ कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड इज इट अकम्पलिश सक्सेस इफेक्टिवली हमें देखना है क्या वो अकम्पलिश हो रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं दूसरा हमें देखना है क्या जो सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है वो प्रॉपरली फिट करता है प्रोपरली ऑपरेट करता है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो पहला हमारा पॉइंट था कि क्या सिस्टम और प्रोसीजर को इस तरह से डिजाइन किया गया कि वो हेल्प करे ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में एंड अपने ऑब्जेक्टिव एंड क्या वो ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली अचीव हो रहे हैं कि नहीं दूसरा हमने देखा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या वो फ्रेमवर्क में फिट होता है तीसरा पॉइंट हमें देखना था कि डज द सिस्टम और प्रोसीजर एडिक्वेटली प्रोवाइड मेथड्स ऑफ कंट्रोल ताकि हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस अचीव कर पाए विद लीस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड चौथा पॉइंट था क्या इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन है बिटवीन वन डिपार्टमेंट एंड अनदर एंड लास्ट पॉइंट था क्या जो रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं उनको हमने इस्टैब्लिश कर दिया है कि नहीं सो so यहाँ हमारा मैनेजमेंट और ऑपरेशनल ऑडिट का रिवीजन खत्म होता है अब अगले रिवीजन वीडियो में हम कुछ और नया पढ़ेंगे कुछ और मज़ेदार रिवाइज़ करेंगे तब तक के लिए आप ही पढ़ते रहिए खुश रहिए मुस्कुराते रहिए और जल्दी से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के दिखाइए ऑल द बेस्ट